बापू की रंगोली से खेलू ऐसी गोली आएगा ना। नमस्कार दोस्तों, इजे बाटे में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग डीजे स्टेटस से एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, या से अपने जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से या से मैं ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से या से आपको नीचे तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उधर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा वापर करना है और यहाँ से 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा म्यूजिक है वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने जो भी अपना 11 सेकंड तक आपको या तक 10 सेकंड तक आपको सॉन्ग को लाना है ऐसे बिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे अपने सॉन्ग को कुछ इसी तरह से अपने पोस्ट है कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने सॉन्ग के हिसाब से पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ऐसे अपने बीट रहेंगे वो आपके सॉन्ग के हिसाब से रहेंगे। तो ऐसे अपने बीटों को सॉन्ग के हिसाब से कर देना है। आपको अपना म्यूजिक है वो चेंज रहेगा तो उसी तरह से आपको अपने पूरे वीडियो में कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो वहाँ तक आपको करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने सभी पोस्ट है वो पहले आपको कुछ इसी तरह से अपने पोस्ट है तो यहाँ से आपको जूम वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको पहला पोस्ट है राइट वाला तो राइट पर कर देना है और दूसरा लेफ्ट ये वाला पोस्ट आपको लेफ्ट कर देना है। उसी तरह से आपको वापस राइट करना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से राइट कर देना है और ऐसे आपको वापस लेफ्ट है तो लेफ्ट कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ऐसे हमने पोस्ट को यहाँ तक सेट कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको हमने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐसे अपना इफेक्ट रहेगा वो ऐड करना चालू कर देना है। जो कि ऐसे हमने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ऐसे आपको एक इफेक्ट ब्लर वाला है तो ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको अपने बीट के हिसाब से आपको जहाँ तक अपने बीट जहाँ से अपन बीट ऐड कर रहे हैं वहाँ तक आपको उसी तरह से इफेक्ट है ब्लर वाला इफेक्ट तो ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से पहले ब्लर वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी सब में ब्लर वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से मैं इसमें भी ब्लर वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको इधर से ब्लर वाला इफेक्ट रहेगा तो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर भी आपको ब्लर वाला इफेक्ट है तो ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो कि इधर से अपना इफेक्ट रहेगा वो आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से मैं इधर से अपना इफेक्ट रहेगा मैं ऐड करना चालू कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का रहेगा तो उसी तरह से आपको जो छोटे बीट आ रहे हैं तो उधर आपको किस तरह से इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से आपको जो कि इधर से अपना इफेक्ट रहेगा तो अलग तरह का छोटे इफेक्ट में आपको अलग तरह का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको छोटे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे पहले वाले इफेक्ट में आपको आ जाना है और ऐसे पहला वाला इफेक्ट रहेगा जो कि इधर से आपको इफेक्ट देख एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर चला जाना है और ऐसे अपना पहला इफेक्ट रहेगा वो आपको कुछ इसी तरह से साइड राइट का कर देना है। उसी तरह से साइड राइट का करने के बाद दोस्तों इसे फुल कर देना है और ऐसे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों दूसरा वाला एफेक्ट्स में जाना है और ऐसे आपको जटर लेफ्ट वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला इफेक्ट उसी तरह से कर देना है। उसी तरह से इसमें हम वापस जो कि हमने किया था जो कि साइड राइट वाला तो वो का वो इफेक्ट ऐड कर लेते हैं और दूसरे में हम जटर लेफ्ट का इफेक्ट है तो उसी तरह से कर देते हैं। उसी तरह से आपको भी अपने मोबाइल में कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको हमने इफेक्ट में छोटा इफेक्ट देखने को मिले तो उधर से एफेक्ट्स में जाना है या से आपको इस इफेक्ट को आपको जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से इस वाले छोटे वाले इफेक्ट को आपको जूम आउट इफेक्ट ऐड कर लेना है और उसी तरह से आपको बड़ा वाला इफेक्ट दिखे तो उसमें आपको उसी तरह से आपको एक आपने जो राइट वाला किया था तो राइट वाला कर देना है और दूसरे में आपको लेफ्ट वाला इफेक्ट है उसी तरह से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर
आपको लेफ़्ट वाला इफेक्ट है तो लेफ़्ट वाला कर देंगे, और उसमें आपको एक लेफ़्ट या एक और राइट इफेक्ट उसी तरह से कर देना है। और छोटे वाला इफेक्ट में आपको ये छोटा वाला इफेक्ट बीच में देख रहा है उसमें जूम आउट का कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ग्रीन जो कि आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जो कि टेम्पलेट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से एक जो कि हमारा टेम्पलेट है वो मैं कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो यहाँ से आपको अपना टेम्पलेट है वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं पहले अपना टेम्पलेट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से अपना टेम्पलेट है वो कुछ इसी तरह से आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरह से मैं इधर से जाता हूँ, यहाँ से हमें अपने बॉडी में जाएंगे और यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इधर से हम ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। इसे हम यहाँ से फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों इधर नीचे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उसी तरह से आपको भी अपने पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना जो कि वीडियो रहेगा इजिली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।